आम आदमी पार्टी पंजाब में नेता प्रतिपक्ष बदलने के बाद से शुरू हुआ विवाद और बढ़ गया है। इसे लेकर विधायक और नेता दो फाड़ हो गए। इस दौरान लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी पीढ़ी हेठ छोटा फिरे, मेरा आम आदमी पार्टी नालों नाता उस दिन टुट गया सी जिदन उन्होंने केजरीवाल नूं माफ़ी दिंदे हुए चिट्टे दे दोषां दे विचों माफ़ी मंगी सी, क्लीन चिट दिंदे हुए। सो आम आदमी पार्टी अपनी पीढ़ी हेठ छोटा फिरे, अज उन्हां दे तानाशाही रवैये कारण पार्टी अज खत्म होण दी कगार ते हैगी है। इह तरह तरह दे ट्वीट बयान दे के अपनी खत्म होण जा रही पंजाब दे अंदर पार्टी दी साख नूं ऑक्सीजन ला रहे हैं। देखो जो 2017 च इलैक्शन सके उदो लोक इंसाफ पार्टी ने आम आदमी पार्टी अलायंस किया, बैंसा नूं पता सीगा कि असी अपने इस बार नहीं जित रहे तो उन्होंने साडी पार्टी नाल अलायंस कर लिया। उस तो बाद साडी पार्टी च आके साडी पार्टी के खिलाफ भंडी प्रचार जो कर रहे हैं अपन, जिवें देखा जाए पिछे इन्हां झात मारी इन्हां ने किहड़ी पार्टी नहीं छड्डी होवे, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर छड्डी, फिर अकाली दल च आ गए, फिर उस तो बाद आ साडी पार्टी च आके हुण सानूं खराब करन लगे हुए हैं। मिल के आम आदमी पार्टी नूं खराब कर रही है जिहड़ा हुण इह बैंस ब्रदर अपने पिछे जे साडे लीडर ऑफ अपोजिशन अपने हरपाल सिंह चीमा नूं पप्पू शब्द गया, जो कि दलितां नूं इक इन्हां ने बड़ा मंदभागे शब्द उत्ते मैच उन्हां कि बैंस साहब इह दलित ही ने जिन्हां दे तुहानूं अपने इस विधानसभा च पंचायत, मैं अज तुहानूं इह तुहाडी मैं निखेधी करदा ते नाले मैं कहिंदा तुहानूं सारी दलित समाज तों माफ़ी मंगनी चाहीदी आ। सर जिहड़ी लोक इंसाफ पार्टी आ इह बीजेपी दे इशारे ते कम कर रही आ अज दी डेट दे विच, इहदा पूरा जोर लग्या होया बई जो विरोधी धिर आम आदमी पार्टी की खत्म की जाए तो अकाली बीजेपी विरोधी धिर दे विच आ जाण 2019 तो पहला पहला, क्योंकि जे ये विरोधी धिर दे विच आउणगे फिर ये दावा करनगे सरकार बनाउण दा बई दे विच, इन्हां नूं पता भी जे आम आदमी पार्टी इस तरह काम करदी रही बई दे विच सानूं साडी सरकार बनाउण तो कोई नहीं रोक सकदा।